तो अब मम्मी पापा को भी ले जाएंगे। अभी तो इन्होंने मतलब गाय बकरी सब कौन कौन से गैजेट टूल एक्सेसरीज यूज करके मैं वीडियो बनाता हूँ तो सब। कल तो मौसम ठीक था लेकिन आज तो पूरा मौसम पैक हो रखा है और बादल लग रखे हैं, ये देख लो। बाकी आज के ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और मेरे गांव का नाम है पाट गांव, जो कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के द्वारिकाल ब्लॉक में पड़ता है और हमारा बाज़ार है चेलोसेन बाज़ार। तो चलिए आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं। तो आज मैं बना रहा हूँ दो ब्लॉग, एक तो ये वाला ब्लॉग बन रहा है और एक बन रहा है वो पता नहीं कब तक आता है, उसमें कोई उसमें सिर्फ म्यूज़िक रहेगा और जो काम कर रही है ना माँ वो रहेगा। तो मम्मी ये रही गाय को दे रही है अभी पिंडा चारा यानी, और पापा जा रखे हैं पुलियासू और कालू जा रखा है यहाँ नीचे। ए कालू जल्दी मतिया, आ गया आ गया आ गया आ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कालू, क्या कर रहा था वहाँ? ठंड नहीं लगती क्या तुझे? टन 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 टन, ये क्या लगा रखा है? कुर्रा कहाँ से? रुक जा, दोस्तों देख लो यहाँ पे छोटे छोटे बकरी के बच्चे हैं और आजकल के ही ये हो रखे हैं। तो ये ले घास खा, घास खाने भी बैठ गया ये वाला, तो ये वाला छोटा है, ये तो क्यूट है ना। तो कालू को इसलिए भी बांधते हैं कि इसने क्या किया कि यहाँ पे बकरी का बच्चा था ना, तो उसने खेलते खेलते उसके गर्दन में छेद कर दिया और वो मर गया, तो इसलिए भी बांधते हैं। और इसलिए भी बांधते हैं कि ये किसी के साथ भी चला जाता है। अब इस पर मार पड़ने वाली है, नहीं पड़ी, बची है, ये भाग गया उधर। नाश्ता करते हैं और नाश्ते में अरबी की सब्जी और चूने की रोटी बन रखी है। गुस्सा हो गया वो कि रोटी खा रहा है और मुझे नहीं दे रहा है। ले ले, तो बकरियां भी खोल दी हैं चरने के लिए और यहाँ पे हैं बकरियां, और मम्मी भी जा रही है यहाँ नीचे और गाय के लिए चारा चूरा लाएंगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से गैजेट टूल एक्सेसरीज यूज़ करके मैं वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले जिससे वीडियो शूट हो रही है वो है GoPro Hero 10, और मैंने ट्राईपॉड यूज़ किया है, गोरिल्ला ट्राईपॉड, तो स्क्रीन में आ रहा होगा। तो कुछ ऐसा सेटअप किया हुआ है जिसके कारण पीछे पूरा घर आ रहा है। तो ये ट्राईपॉड सबसे बढ़िया रहता है कि इसको मोड़ के कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं फ़ोन की, तो ये है Realme 7, और जब हमने लिया था तब 128 में था भी नहीं और हमारा बजट भी ना था नहीं, तो तब 664 वेरिएंट में लेना पड़ा। तो बहुत ही सही मोबाइल है और वीडियो तो काफ़ी अच्छी बनती है इससे, मतलब 15,000 की रेंज में काफ़ी अच्छा फ़ोन है कैमरे के पर्पज़ से। और लैग लुक भी मारता है लेकिन इतनी दिक्कत मतलब अभी तक मतलब होती है, लेकिन मैं मतलब संभाल लेता हूँ। तो अब बात करते हैं GoPro की बैटरी चार्ज करने का केस, तो यह है GoPro की बैटरी चार्ज करने का केस और यह है GoPro की बैटरी, और 1800 mAh की यह बैटरी होती है। और ये जो केस है ना, ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था और इसके साथ तीन बैटरी ली थी, तो ये टेलसेन कंपनी का है। लेकिन इसके साथ जो ये बैटरी आई ना, तो इसमें लिखा है 1800 mAh, लेकिन ये 1800 mAh है नहीं क्योंकि बैटरी बैकअप इतनी देती नहीं है।
तो इन्हीं गैजेट का यूज़ करके मैं वीडियोस बनाता हूँ। और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक सेल्फी स्टैंड कह सकते हैं, स्टिक कह सकते हैं, कॉम्बो है तो वो लिया था, स्क्रीन में आ रहा होगा, काफ़ी बढ़िया है। और इसको स्टैंड बना के मतलब आप कहीं पे भी वीडियोस बना सकते हो, तो मुझे बढ़िया लगा। और फ़ोन भी माउंट हो जाता है और गोप्रो भी माउंट हो जाता है, तो ये परचेज़ किया अभी मैंने कुछ दिन पहले। तो यही मेरे पास एक्सेसरीज़ है जिनका मैं यूज़ करके वीडियोस बनाता हूँ। बाकी अब धीरे धीरे जोड़ते रहेंगे, अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो देखते हैं। आज नहीं बोलना है कि छोटों को प्रणाम हो, बोल देता दिखणो ताई सो वीडियो दिखणो ताई के बोले लाइक करें शेयर करें कमेंट करें। हाँ लाइक करें शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। इन बोल जिन्होंने जैन सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें। अच्छा तब बड़ो तो सेवा छोटो तो आशीर्वाद। हाँ मेरे तरफ से। और मम्मी का माई का है कांड खाल तो बाजार से। हाँ तो आपको कैसा लगता है गांव में? गांव में अच्छा तो लगा दुकान तो अब मम्मी पापा को भी ले जाएंगे, अभी तो इन्होंने मतलब गाय बकरी सब रख रखे हैं, तो इस वजह से तब जब इनसे छुटकारा मिलेगा तभी आ पाएंगे। बाकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। हैं हैं तो हम तो कब से बोल रहे हैं कि चलो चलो चलो, लेकिन अब गायें भी पाल रखी है और बकरियां भी है, तो इस वजह से ये मतलब कि आ नहीं पा रहे हैं। तो अब जब तक वो नहीं निकलेंगी या जब तक वो उनको नहीं बेच देंगे तब तक ये मतलब कि नहीं आ सकते हैं, और जंगली जानवर का खौफ तो है ही। 4 बजने वाले हैं और मैं लेटा ही था कि आँख लग गई, अब उठ रहा हूँ मैं। अभी लगभग 4 बज रहे हैं, बाकी मम्मी जा रही थी यहाँ नीचे, यहाँ पे बीमल का पेड़ है तो वो काट रही है, तो मैं ऊपर ही रहता हूँ। मम्मी बोल रही है कि ऊपर ही रहे, वहाँ पे कुर्सल उर्सल भी आ सकते हैं, तो वहाँ पे बकरी के बच्चे भी हैं। बाकी यहाँ नीचे तो पूरा ऐसा सुनसान हो रखा है ना कि खतरनाक ही मतलब डर लग रहा है। तो मौसम तो वैसे भी ख़राब था ही, तो अचानक से अब बारिश लग गई, ये देख लो। लेकिन बस बूंदें छिटा रही है अभी बस।